हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और यह है वीडियो नंबर 23। हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटरमाइन करने के जो सिस्टम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम कौन कौन से हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यह सब क्या है, ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। भाई कोई भी हो, वेदर ही इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और नॉट, कोई भी हो, हर किसी के दिमाग में जरूर ये बातें होती है कि यार ये डॉलर के बदले में जैसे 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ है, या ये कम क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ, या डॉलर से या हमारे रुपीज़ से यदि हम येन को कंपेयर कर रहे हैं या और किसी करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं तो जो रेट कम ज़्यादा हो रहा है वो क्यों होता है और क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी के अलावा बाकी जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। यानी कि इंडियन रुपीस हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है और डॉलर, दिनार, येन, पाउंड, जितनी भी बाकी करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी, यानी ऐसा रेट जिस पर जो है हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि 70 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1 या $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़, तो ये क्या होगा, ये एक्सचेंज रेट हो गया डॉलर और रुपीज के बीच में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम कौन कौन से हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के मेनली तीन सिस्टम हैं। पहला सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यू कैन आल्सो कॉल इट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, थर्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम हमारी करेंसी के बदले में, मतलब किसी पर्टिकुलर करेंसी के बदले में कितनी करेंसी हमें देना है, या हम कहें कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी इट मीन्स जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी देश की, वो मॉनेटरी अथॉरिटी कहलाती है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है अपनी करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज जो है रेट डिसाइड करती है। अब ये वाला जो सिस्टम है मेल, ये टिपिकल सिस्टम है, पुराना सिस्टम है ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसमें हम बात करें कि भाई डिसाइड करने के लिए भी तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, किस किस आधार पर, किस बेसिस पर। तो ये जो बेसिस है इसके मेनली दो बेसिस है। पहला बेसिस है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना, गोल्ड, और मतलब सिल्वर भी यूज़ किया जाता था लेकिन मेनली हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपको जैसे से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें डॉलर और रुपीज़ के बीच में जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमने जो गोल्ड है उसको स्टैंडर्ड माना। अब हमें पता है कि 50 रुपये में, मान लेते हैं कि 50 रुपये में 1 ग्राम जो है सोना आ रहा है, 50 रुपये में 1 ग्राम सोना, और वही 1 ग्राम सोना जो है $1 में आ जाता है, तो $1 बराबर कितना हो गया, 50 रुपये, क्योंकि $1 बराबर 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम सोना इज इक्वल टू 50 रुपये, तो 50 रुपये इज इक्वल टू $1, ये रेट डिसाइड हो गया। इसको बोलते हैं पेरिटी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिटी करना, मतलब कि हमने गोल्ड के बेसिस पर ये डिसाइड कर लिया कि डॉलर और रुपीस का रेट क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं सिर्फ डॉलर की बात है, कोई सी भी करेंसी हुई, मान लीजिए दिनार है, अब दिनार है आपको मान लेते हैं कि हम जो है 10 दिनार में 1 ग्राम सोना रहा है, 10 दिनार में 1 ग्राम सोना रहा है, तो 10 दिनार में 1 ग्राम सोना रहा है और 1 ग्राम सोना हमारे यहाँ पर आ रहा है 50 रुपये में, तो 10 दिनार इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 रुपये, 10 दिनार इज इक्वल टू 50 रुपये, यानी कि 1 दिनार इज इक्वल टू 5 रुपये,
तो इस तरीके से हम जो है पैरिटी करके जो है इसमें रेट डिसाइड होता है। तो ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट जो इसमें एक और तरीका है वो है जिसको हम बोलते हैं पेगिंग। तो वो है कि जैसे कि हम बात करें से डॉलर की बात कर लें, भाई डॉलर बहुत ज़्यादा वेल नोन, मतलब कहीं कि जो है मैक्सिमम कंट्रियों में चलने वाला या बहुत सारी जगह इनका व्यापार फैला हुआ है। तो डॉलर को जो है एक बेसिक एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे कि हमको पता है कि भाई एक डॉलर बराबर हमको 50 रुपये चाहिए, तो एक डॉलर यानी कि 50 रुपये। तो अब हम ऐसी कोई सी नई कंट्री, मान लीजिए कोई कंट्री है होनोलुलु, है ना, ऐसे में एक एग्जाम्पल तो ले रहा हूँ कि होनोलुलु। अब होनोलुलु की जो करेंसी है वो है होनोलुलु जो है उसकी करेंसी का नाम भी होनोलुलु ही मान लीजिए। अब होनोलुलु और रुपीज में हमें एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है। अब हमें ये पता है कि होनोलुलु जो है 10 होनोलुलु इज इक्वल टू 1 डॉलर होता है। 10 होनोलुलु इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डॉलर। तो 1 डॉलर बराबर होता है 10 होनोलुलु, और हमारे जो 50 रुपये हैं उसके बराबर होता है 1 डॉलर। तो 10 होनोलुलु और 50 रुपये क्या हो गए? बराबर हो गए। तो 10 होनोलुलु इज इक्वल टू 50 रुपये। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि हुआ कि जो है हमारे 5 रुपये और 1 होनोलुलु, या हमारे 50 रुपये और उनके 10 होनोलुलु। तो ये जो है एक सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक, जिसमें डॉलर को, डॉलर या कोई सी भी करेंसी को बेसिस मान लिया जाता है। वैसे एक बड़ा पॉपुलर नेम है ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। दरअसल ब्रेटन वुड, ये एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हम डॉलर को अब स्टैंडर्ड मानेंगे गोल्ड की जगह, गोल्ड की जगह हम डॉलर को स्टैंडर्ड मानेंगे, पेगिंग, जिसको हम पेगिंग बोल रहे हैं। तो गोल्ड की जगह हम किसको स्टैंडर्ड मानेंगे? हम मानेंगे जो है डॉलर को, किसी करेंसी को। तो इस तरीके से भी जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है रेट डिसाइड होता है। खैर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। समझने वाली जो बात है जो आज के टाइम पर वो यही है। दरअसल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिसाइड होगा मार्केट फोर्सेस के थ्रू, यानी कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी। और सप्लाई की यदि हम बात करें, सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो आप सप्लाई को साइड में रख दीजिए, मेन आप सिर्फ डिमांड को देख के रख लीजिए कि जिस भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है उसकी तो वैल्यू ज़्यादा होना है। भाई कोई भी ऐसा बंदा हुआ, जिसे मान लीजिए आज आप फिल्म स्टार की बात कर लीजिए, रिया जो है अक्षय कुमार बड़ा डिमांड में आजकल, तो जो है कीमत ज़्यादा लगेगी। जो है आप किसी भी और भी फील्ड में बात करें कि जो है अभी, जैसे अभी आप बात कर लें, अब कोरोना का काल चल रहा है तो जो है आपको जितने भी सैनिटाइजेशन वगैरह इनकी डिमांड ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा लगेगी। तो जो भी चीज़ मतलब किसी भी मार्केट में ज़्यादा जिसकी डिमांड है उसकी कीमत ज़्यादा ही होगी। तो जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब जैसे हम बात कर लें, एग्जांपल के तौर पर बात कर लें कि डॉलर की कीमत ज़्यादा कब होगी। अब डॉलर की कीमत ज़्यादा कब होगी? डॉलर की कीमत भी जब ज़्यादा होगी जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों होगी? डिमांड ज़्यादा तब होगी जब बाकी कंट्री, यानी हम हमारी बात कर लें, सिर्फ हमारे देश की बात कर लेते हैं कि हमारा देश के लोग जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं अमेरिका घूमने के लिए। अब अमेरिका घूमने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर हम तो डायरेक्ट बैंक में जमा करते हैं, बैंक हमें दे देता है। तो भाई बैंक में हमने रुपये जमा किए, बैंक हमको डॉलर देगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है? डॉलर की डिमांड बढ़ रही ना, बैंक भी तो कहीं से ला रही है वो पैसे। तो डॉलर का जो है क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम फॉरेन टूर जा रहे हैं, हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं अमेरिका में, तो इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो डॉलर की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। हम वहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना, अमेरिका से चीज़ें खरीद रहे हैं हम, भाई इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करेंगे, हम चीज़ें खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, या हम बोल दें कि अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डॉलर की कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि
जो भी जैसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वहां से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। डॉलर में पेमेंट करने से डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से भी क्या होगा, वो पर्टिकुलर करेंसी की जो है वैल्यू बढ़ेगी। तो या और ऐसा कोई, जैसे कि मान लीजिए हम जो है हमें और किसी वे में जो है डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना, कोई ट्रांसफ़र पेमेंट करना है वहाँ पर, कोई पैसे पहुँचाना करना है, या कुछ जो डोनेशन देना है ना, कुछ भी कुछ काम पैसे हम दे रहे हैं, तो जो हम पैसे दे वहाँ पर पैसे पहुँचा रहे हैं या उनकी कमाई हो रही है, सिंपल सी बात, इट मीन्स डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हमें विदेश में पेमेंट करना है तो हमें विदेशी करेंसी ही चाहिए। ठीक, तो जो भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है उस करेंसी का क्या होता है, उस करेंसी की जो है प्राइस भी बढ़ जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह का कोई काम नहीं है, सिंपली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलती है। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, कि जिस डिमांड बढ़ती है प्राइस भी बढ़ती है, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। फाइनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, आप सिर्फ डिमांड कर्व मत बनाना उसमें, डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व बना लीजिए, कि डिमांड कर्व बनाया, सप्लाई कर्व बनाया, तो डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो कर्व जो है मूव होगा, प्राइस बढ़ रही है, कर्व डाउन होगा तो प्राइस घट रही है। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसमें डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर जो है रेट तय होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि कल जो है डॉलर जो है 70 रुपीज़ था, अब जो है 75 रुपीज़ हो गया या 65 भी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है पूरा कम्प्लीटली मार्केट बेस्ड है, और इसमें जो है आप कहेंगे ओपन इकोनॉमी में ये चीज़, मतलब ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। ठीक, अब यदि हम बात करें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम का मतलब यह हुआ कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है और इसमें जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम शामिल है। दोनों कैसे, कि यहाँ पर कुछ हद मैक्सिमम हद तक जो है वो प्राइस डिसाइड हो रही है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही, लेकिन इसको कुछ हद तक जो है RBI या हम कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो बैंक है किसी भी कंट्री की, वो थोड़ा कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है, जैसे मान लेते हैं हम कि जो है डॉलर 70 रुपीज़ की कीमत है, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है मान लो, और 70 रुपीज़ जो है वो उसकी कीमत है, लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर के रेट और बढ़ते जा रहे हैं, 70 से 75 हो गए। अब डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड जो बढ़ रही है वो तो मार्केट के हाथ में है, बढ़ रही है, और सप्लाई उस एस्पेक्ट में नहीं बढ़ रही, इसका मतलब तो क्या है कि RBI के पास, या हम, मैं फिलहाल इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो सेंट्रल बैंक के पास जो मतलब जो कस्टडी में रखा हुआ है या जो फंड रखा हुआ है वो उसमें थोड़ा रिलीज कर देगी, वो रिलीज कर देगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। अब सप्लाई भी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा जो प्राइस बढ़ रही थी वो थोड़ी रुक जाएगी। तो कुछ हद तक जो है सेंट्रल बैंक सप्लाई या डिमांड को जो है बढ़ा घटा करके थोड़ा अपने पास जो कस्टडी, अपने पास जो फंड जो रखा हुआ है, फॉरेन करेंसी जो रखी हुई है उसको रिलीज करके या उसको मार्केट से वापस परचेस करके, कभी ज़्यादा कम हो रहा हो तो जो है डिमांड बढ़ाने के लिए वापस परचेस करके, तो वापस मार्केट से परचेस करके या मार्केट में वापस करेंसी सेल करके, फॉरेन एक्सचेंज सेल करके या परचेस करके या रिलीज करके या वापस लेकर के जो है रेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है। तो जो रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला, जो मैनेज करने वाला जो सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक, तो ये थे तीनों सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, डीवैल्यूएशन क्या है, या डीवैल्यूएशन क्या है और अप्रिसिएशन क्या है। आप डोमेस्टिक करेंसी, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इसमें से ये है कि फॉरेन करेंसी के एस्पेक्ट में जो है वो हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी या इन कंपैरिजन टू फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था, या 70 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब 70 रुपीज इज इक्वल टू $1 और अब हो गया 75 इज इक्वल टू $1, तो ये
डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है भाई। हमें पहले जिस चीज के लिए 70 रुपीज देना पड़ता था, अब उस चीज के लिए हमें 75 रुपीज देना पड़ रहा है, उसी डॉलर के लिए हमें 75 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये तो हमारी करेंसी के लिए क्या हुआ है, नुकसान की बात है। तो हमारी करेंसी का जब नुकसान हो रहा है, हमारी करेंसी जब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन या डोमेस्टिक करेंसी। अब ऐसा होने से होगा क्या, ऐसा होने से ही होगा कि देखिए जैसे जो अमेरिका का बंदा है, उसको पहले $1 देने में 70 रुपीज की चीज मिल रही थी। अब चूंकि हमारी वैल्यू कम हो गई, हमारी करेंसी वैल्यू कम हो गई, तो उसको उसी डॉलर देने में अब 75 रुपीज का जो है हमारे ऐसी चीजें खरीद लेगा, या उसको 75 रुपीज की वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हमारे ऐसी चीजें खरीदना क्या हो गया, सस्ती हो गई। तो हमारे ऐसे उसके लिए चीजें खरीदना आज सस्ती हो गई, तो वो हमसे ज्यादा खरीदेगा। अब वो हमसे ज्यादा खरीदेगा, इसका मतलब क्या, हम ज्यादा बेचेंगे। तो हम ज्यादा बेचेंगे तो मीन्स हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने के भी हमें फायदा हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक। तो एक्सपोर्ट इस कंडीशन में बढ़ता है, वो फायदा होगा नुकसान होगा अलग बात है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है इस वजह से बढ़ जाएगा क्योंकि बोलो को चीजें सस्ती पड़ेंगी। डेप्रिसिएशन था, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन इट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी, उसकी वैल्यू बढ़ जाना, यानी कि अभी तक जो है हम $1 के लिए दे रहे थे हम 70 रुपये, मान लो 70 रुपीज हम दे रहे थे, अब हमें देना पड़ेंगे 65 भी, तो 65 भी देना पड़ेगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो है हमें कम पैसे देना पड़ रहा है, ठीक। तो यानी हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई है, हम अब 65 रुपये में ही डॉलर आ जाएगा, पहले 70 रुपये में आ रहा था। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो फॉरेनर है उसको तो थोड़ा सा नुकसान है, उसको पहले 70 रुपीज मिल रहा था, 65 रुपीज ही मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चीज़ें कम खरीदेगा ही। लेकिन यदि हमारा एस्पेक्ट से सोचें तो हम जो है हम कोई चीज़ खरीद रहे थे तो पहले जो है हमें 70 रुपये लग रहे थे, अब हमें कितने लगेंगे, अब हमें 65 रुपीज ही लगेंगे, अब हमें 65 रुपीज लगेंगे। उस पहले $1 की मान लीजिए कोई चीज़ खरीद रहे थे हम, तो 70 रुपये देना पड़ रहा था, अब वही पर हमें 65 रुपये देना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अब ज़्यादा चीज़ें विदेश से खरीदने को क्या बोलेंगे, ज़्यादा इम्पोर्ट करना, यानी कि इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट डीवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन क्या है भाई, डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो मार्केट फोर्सेस की वजह से यदि कम ज्यादा हो रहा है तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे, यदि गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही तो वो उसको हम डीवैल्यूएशन बोलेंगे। रिवैल्यूएशन यदि गवर्नमेंट खुद उसकी रेट बढ़ा रही है, ऑफिशियली बढ़ा रही है, तो उसको रिवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक। तो इन दोनों में फर्क जो है वो फर्क इस बात का है कि वो कौन से सिस्टम के अंदर हो रहा है। यदि ऑफिशियली गवर्नमेंट डिसाइड करे तो डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, और यदि वो मार्केट फोर्स के थ्रू हो रहा है, फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के तहत हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक। तो आई होप कि आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सारी चीजें समझ में आई होगी। हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फटाफट एक क्विक रिवीजन लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इट मींस फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इट मींस एक दूसरे से हम जो एक्सचेंज करते हैं उस रेट को। फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिस्टम कौन कौन से है, मार्केट पे चलने वाला फ्लेक्सिबल, गवर्नमेंट डिसाइड करे वो फिक्स्ड, दोनों मिला के ये चीजें हो तो मैनेज करोगे। फिर उसके बाद हम बात करें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की, जो हम बात कर ही चुके हैं। पेगिंग क्या है, किसी करेंसी को आधार बना दिया तो पेगिंग। पैरिटी क्या है, गोल्ड या सिल्वर को आधार बना लिया जाए, इनको स्टैंडर्ड बना लिया जाए, तो वो कहलाएगी पैरिटी, ठीक। तो आई होप कि आपको फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज के रेट कम ज़्यादा किस तरीके से होते हैं, ये आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। मैंने अभी आपको बेसिक बातें सारी बताई। अब इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आपके कहीं हो कि यार ये बात क्या है, तो उस बात का मैं बड़ा ही आपको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, बकायदा आप मुझे यदि कमेंट करें तो। खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।